हमारे बच्चों से क्यों इख्तलाफ होगा? एनआरसी का जो दादा, जो सीएए का दादा है वो एनआरसी है, क्योंकि हम यहाँ कभी वो कागजात पेश नहीं कर सकते, वो कागजात दे नहीं सकते जो एनआरसी में मांगे जा रहे हैं। और अगर आप उनको दे नहीं पाएंगे तो उसका अंजाम क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि कोई संकट नहीं बन रहा है, एनआरसी नहीं होगी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये उठता है कि लोग इस पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? ये देख ले, नीचे सही आ रही है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री का कॉल है कि एनआरसी नहीं बनेगा, लेकिन उस पर हम विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? और ये बुरी बात है, ये हमारे लिए भी शर्म की बात है और सरकार के लिए भी शर्म की बात है कि लाखों लाखों लोग हिंदुस्तान में इस बात पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सेंटर बन रहे हैं। आसाम में सेंटर बना है, कर्नाटक के पास सेंटर बना है, नवी मुंबई के पास सेंटर बनने की बात चल रही है। इसका भी मैं आपको सलूशन दे देता हूँ, और बहुत छोटी सी बात है। प्रधानमंत्री साहब, होम मिनिस्टर साहब खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें कि हम एनआरसी नहीं ला रहे हैं। दूसरी बात, हमारे स्टूडेंट्स को बुलाया जाए, उन राजनेताओं को बुलाया जाए जो इस पर अपना साथ देते हैं, और खुली बात की जाए। आपको याद होगा जब आम आदमी का आंदोलन हुआ था दिल्ली में, वो कांग्रेस की सरकार थी, तो अरविंद केजरीवाल साहब को और उनके साथियों को बुलाया गया था मनमोहन साहब की सरकार ने, ये बात साफ करने के लिए कि गवर्नमेंट की क्या सोच विचार है, अन्ना आंदोलन में गवर्नमेंट का क्या सोच विचार है। तो आज जब लाखों लोग हिंदुस्तान के कोने कोने में बगावत कर रहे हैं, क्यों नहीं बुलाया जा रहा हमको बात करने के लिए? इसमें हमें नेता नहीं चाहिए, इसमें हमें पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहिए, इसमें आपको मेरे स्टूडेंट से मिलना पड़ेगा, इनको संतुष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझका दिल इनका है। हिंदुस्तान ये बच्चे चलाएंगे, मैं और आप नहीं चलाएंगे। और इन बच्चों ने और हमारी बहनों ने जो शाहीन बाग में बैठी हैं, ये साबित कर दिया है कि कितना दम है। बकौल मजाज के, बकौल मजाज के जो अब हमेशा बढ़ता है, जो अब यहाँ से उठेगा वो सारे जहाँ पर बरसेगा। ये आप याद रखिए, जामिया के इन दरख्तों के नीचे खान अब्दुल गफ्फार खान और गांधी जी बैठे हैं, यहाँ इन दरख्तों के नीचे जवाहरलाल नेहरू और जाकिर हुसैन बैठे हैं। ये वो मट्टी नहीं है कि आप इसको रौंद के चले जाए। इसलिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर को याद रखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारा इतिहास लिखा है। एक बात मैं और आपसे कह लूं, ये जो आंदोलन है, ये जो प्रोटेस्ट है, इसका बहुत जरूरी है कि ये सेक्युलर रहेगी। ये मुसलमानों का आंदोलन नहीं है, ये हिंदुस्तान का आंदोलन है। और बहुत अच्छी बात है कि जहां इतना इख्तलाफ हो रहा था सरकार ने एक ऐसे एक्ट में जो हमने इख्तलाफ पैदा करना चाहता था उसने हम सबको जोड़ दिया। आज जो हिंदुस्तान में औरतें निकली हैं अपने घरों से, हमारे आदिवासी निकले हैं घरों से, हमारे दलित निकले हैं अपने घरों से, वो इसलिए ही निकले हैं कि हम एक हैं। बहुत कोशिश हो चुकी है इख्तलाफ पैदा करने की, अब वक्त दूसरा है। एक और गुजारिश, और बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगी, मौलानाओं को इससे दूर रखिएगा,
हमारे पास कोई जगह नहीं है हम मौलाओं के फतवों की, आप बैठ के अपने मदरसों में फतवे लीजिए, ऊट पटांग फतवे, चकने से ऊपर पजामा पहनो, हिजाब करो, फिल्म मत देखो, शादियां ना करो, क्या बदतमीजी है ये। 21वीं सदी है, आप अपने मदरसों में बैठिए, वही तशरीफ रखिए, हमें आपकी जरूरत नहीं है, ऐसी लीडरी मेरे बच्चे करेंगे। यही वो बच्चे हैं 1947 से पहले, कहीं कहा था वक्त आने पर बता देंगे तुझे है आसमान, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। हिंदुस्तान वो है जहां एक राम प्रसाद बिस्मिल कहलाता है, जहां रघुपति शाह फिराब कहलाते हैं, इसको हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। और जामिया में ही ये तारीफ लिखी गई है, इसलिए बहुत फख्र की बात है कि ये आंदोलन यहां चल रहा है और इतने जोर से चल रहा है। अब सवाल ये है कि क्या करना है, हमें नौकरी चाहिए, हमें घर चाहिए, हमारी बस्तियों को देखिए, इनको साफ करिए, इनमें बत्ती दीजिए, इनमें पानी दीजिए, यहां मुल्क के रहबरों को बुलाओ, ये कूचे ये मंजिल ये गलियां दिखाओ, जिन्हें नाज है हिंद पर उनको लाओ, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ का सबक हमको सिखाया जा रहा है कि नए नए ऐप लाके। हमें नौकरी चाहिए, हमें तालीम चाहिए, हमें अस्पताल चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, हमारे बच्चों को फौज में जाना है, हमारे बच्चों को पुलिस में जाना है, और ये अगर मत पुलिस नहीं तो आगे हम पे अत्याचार करें। हमें संवेदनशील चाहिए, हमें NPR नहीं चाहिए जहाँ ये कहा गया था, कहा जाएगा कि तुम्हारा बाप कहाँ पैदा हुआ था। दिल्ली में लाखों मेरे दोस्त पंजाबी हैं जो जिनके बाप पैदा हुए थे लाहौर में और रावलपिंडी में, वो कहाँ से कागज लाएंगे, और जिसको आप रावलपिंडी या लाहौर कहेंगे उसको संदिग्ध कैटेगरी में रख दिया जाएगा। अब आप साबित करते रहिए कि आप हिंदुस्तानी हैं, छोटे छोटे सरकारी कर्मचारी आपसे 10-10, 15-15 हज़ार रुपये लेंगे, ये लेने के लिए कि NPR के लिए आप अपने बाप की पैदाइश रावलपिंडी में हुई थी लेकिन वो हिंदुस्तानी है, कि क्या मजाक है हमारे साथ। हमारे बच्चों को चाहिए आज क्लास में पढ़ाई करें, PhD करें, IAS करें, जहाँ इनको ये सड़कों पे आंदोलन करने की क्या जरूरत है। लेकिन मैं आपसे फिर मजबूर होता हूँ इन बच्चों से कि बलिदान का वक्त है, हो सकता है कि बलिदान देना पड़े, हो सकता है कि 4-6 महीने साले हों, हो सकता है कि टाइम खराब हो, लेकिन पीछे आप नहीं हट सकते, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है, इससे पीछे आप नहीं हटेंगे। इस कॉल के साथ आप उसे वादा करिए कि ये आंदोलन चलेगा, ये खत्म नहीं होगा, और जैसे मैं आप ये खत्म कर रहा हूँ मेरे साथ आप सब जन गण मन गाएंगे, खड़े हो जाए, अरे भाई फोन एक साथ गाएंगे, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हे। बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने शायद दोबारा से जामिया में आने के बाद जो हमारे स्टूडेंट्स को जो एनर्जी दी है हम इसके शुक्रगुजार हैं, और हम आपसे ये वादा करते हैं इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये जामिया मिलिया इस्लामिया
मौलाना महमूद उल हसन की जामिया है, गाजी जी की जामिया है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर की जामिया है, डॉक्टर मुख्तार अंसारी की जामिया है। और इस जामिया से जब भी हम लोग उठेंगे, जब तक हम सीए और एलआरसी वापसी नहीं करा लेते, ये हम आपसे वादा करते हैं।